नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑटोगन न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं मारुति की ऑल न्यू इको 2023 मॉडल के बारे में। कंपनी ने फाइनली इसे लॉन्च कर दिया है। गाड़ी पहले से काफी बड़ी देखने में लगती है एंड यार अब आपको इसमें सीएनजी के ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी बहुत सारे शहरों में सीएनजी नहीं आया है तो आप लोगों को एलपीजी का भी ऑप्शन कंपनी ला के दे रही है। गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो काफी अच्छी पावर जनरेट तो करता है, साथ ही साथ आप लोगों को जो माइलेज निकाल के देता है वो 22 का निकाल के देता है, क्योंकि ये गाड़ी 7 सीटर है और 7 सीटर में 22 का माइलेज काफी शानदार माना जाता है। ऑल ओवर बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाया गया है, पहले से मोटी चद्दर इस पे आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन मारुति के हाल आप सभी को पता है, कोई भी खास इंप्रूवमेंट आपको सेफ्टी में देखने के लिए नहीं मिलता इस पे। लेकिन 2 एयरबैग मिलेंगे, एबीएस मिलेगा, एबीडी मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल भी हो सकता है मिल जाए, तो कुछ सेफ्टी फीचर आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अंदर से बात करूं तो यार अंदर से आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जिसमें आप लोगों को हो सकता है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले भी देखने के लिए मिले, लेकिन टच स्क्रीन तो मिलने वाला है ये कंफर्म हो गया है। चारों पावर विंडो मिलने वाले हैं। 7 सीटर के ऑप्शन इस बार आपको मिलते हैं क्योंकि पहले 6 सीटर मिलती थी। 7 सीटर में आपको एसी का ऑप्शन भी मिल जाएगा, वो भी क्लाइमेट रॉकिंग वाला। एंड देखा जाए तो सारे ही बेसिक फीचर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। बाहर आते हो तो आपको 14 इंची के टायर मिल जाते हैं। कंपनी को थोड़े बड़े टायर इस पे देने चाहिए थे, लेकिन यार माइलेज को देखते हुए हो सकता है 14 इंची के टायर आप लोगों को इसलिए दे रहे हो। ऑल ओवर बात करूं तो 4.5 से गाड़ी शुरू होगी, 4.5 वाले प्राइस में ही आपको एसी 7 सीटर सारे फीचर आपको लाके दे देगी, तो काफी अच्छी गाड़ी है। बिल्ड क्वालिटी थोड़ा बढ़ा देते तो मजा आ जाता। बाकी कुछ दिनों में नजदीकी शोरूम में आपको ये गाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे आप लोगों से एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।